लोग, है ना? सही बात। डिस्कशन से आगे बढ़ने के बाद क्या होता है बताओ? डिस्कशन से आगे बढ़ने के बाद क्या होता है? पढ़ाई होता है। चलो पढ़ाई करते हैं। देख बेटा, अब देखा जाए, देख बच्चा, अब देखा जाए बेटा, फिक्स्ड एक्सिस रोटेशन, ठीक बच्चा? मतलब एक बॉडी घूमेगा बेटा, एक बॉडी हमारा घूमेगा, है ना? और जो घूमने का एक्सिस होगा बेटा, जो घूमने का एक्सिस होगा वो फिक्स्ड होगा। मतलब बॉडी किसी खास पॉइंट के अबाउट घूमेगा। जैसे कि इमेजिन कर बच्चा, इमेजिन कर कोई एक बॉडी हो, है ना बेटा, वो किसी खास पॉइंट के अबाउट, चलो मान लो बेटा यही इसी पॉइंट के अबाउट, इसी के अबाउट घूम रहा है, ठीक है बच्चा? तो देखो इसी के अबाउट घूमेगा बेटा, तो ऐसे घूम रहा होगा ये, है ना? ऐसे इसका एंगुलर वेलोसिटी होगा, और मान ले बच्चा एंगुलर एक्सीलरेशन होगा, बोलो, राइट ना? ठीक है। तो देख बेटा, हमें इसके काइनेमेटिक्स और डायनामिक्स दोनों की बात करनी है, ठीक है बच्चा? इस पार्टिकल का हमें काइनेमेटिक्स और डायनामिक्स दोनों की बात करेंगे। तो देख बेटा, इस वाले कंडीशन में अगर बॉडी ऐसे घूम रहा होगा, है ना बेटा, तो देख के बताओ, इसमें अगर एंगुलर एक्सीलरेशन है, इसका मतलब रिजल्टेंट टॉर्क जीरो है या नहीं, बोलो बच्चा? रिजल्टेंट टॉर्क जीरो है या नहीं? नहीं है, बिल्कुल सही बात। इसका मतलब बच्चा, इसमें तो हम बोलेंगे ना, सिग्मा टो इज इक्वल टू आई अल्फा, बोलो बेटा, ठीक है? और बोलो तुम टॉर्क किसके अबाउट निकालोगे, टॉर्क किसके अबाउट निकालोगे, बोलो बेटा? ए पॉइंट के अबाउट, बिल्कुल सही बात। तो टॉर्क अबाउट पॉइंट ए और आई अबाउट ए, बोलो बेटा, ठीक है? अब बताओ मुझे बेटा, अब बताओ इसका सेंटर ऑफ मास अगर मैं कहूं इस जगह पे है, अगर इसका सेंटर ऑफ मास इस जगह पे है बेटा, है ना, तो बताओ इसका सेंटर ऑफ मास कैसे पाथ में जा रहा होगा? इसका सेंटर ऑफ मास बेटा कैसे पाथ में जा रहा होगा? तो कहोगे ना, सेंटर ऑफ मास ऐसे पाथ में जा रहा होगा बेटा, सर्कुलर पाथ में, बोलो बेटा, राइट ना? सेंटर ऑफ मास सर्कुलर पाथ में जा रहा होगा बेटा, राइट ना? सेंटर ऑफ मास क्या, इसका कोई भी पॉइंट सर्कुलर पाथ में जा रहा होगा, है ना? इसका कोई भी पॉइंट सर्कुलर पाथ में जा रहा होगा। तुम अगर ये पॉइंट ना बोल करके तुम ये वाला पॉइंट बोलो, तो कहोगे ये वाला पॉइंट भी जा रहा होगा बेटा सर्कुलर पाथ में, ये कोई पॉइंट पी मान लिया मैंने, है ना? ये वाला पॉइंट इस सर्किल में जा रहा होगा, ये वाला पॉइंट बेटा इस सर्किल में जा रहा होगा, बोलो बेटा, राइट ना? ठीक है। तो सेंटर ऑफ मास के लिए, सेंटर ऑफ मास के लिए हम बोल सकते हैं ना बेटा, रिजल्टेंट फोर्स वेक्टर इज इक्वल टू मास इनटू एक्सीलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास, बोल बेटा, है ना बेटा? बोल सकते हैं ना, चूंकि फोर्स वेक्टर है बेटा, तो तुम इसको कंपोनेंट में भी तोड़ सकते हो, फोर्स एक्स डायरेक्शन में, फोर्स वाई डायरेक्शन में, है ना बेटा? तो कैसे बोलोगे, फोर्स इन एक्स बराबर मास इनटू एक्सीलरेशन इन एक्स, है ना बच्चा? फोर्स इन वाई इक्वल टू मास इनटू एक्सीलरेशन इन वाई, है ना बेटा? ठीक है। अब बताओ सर्कुलर मोशन में कौन कौन सा होता है बेटा एक्सीलरेशन, बोलो? सर्कुलर मोशन में कौन कौन सा होता है एक्सीलरेशन, बोल बेटा? टेंजेंशियल एंड सेंट्रीपिटल, बिल्कुल सही कहा, है ना बेटा? तो हम फोर्सेस को टेंजेंशियल और सेंट्रीपिटल में भी कह सकते हैं। टेंजेंशियल फोर्स इक्वल टू मास इनटू टेंजेंशियल एक्सीलरेशन, है ना बेटा? ठीक है। और सेंट्रीपिटल फोर्स इक्वल टू मास इनटू सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन, बोल बच्चा, राइट ना? तुम इस फोर्स को एक्स और वाई में कंपोनेंट कर सकते हो, तुम चाहो तो रेडियल और टेंजेंशियल में कंपोनेंट कर सकते हो, ठीक है बच्चा? अब देख बेटा, इसके काइनेमेटिक्स की बात करें, है ना बेटा, अगर मैं कहूं वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन, है ना बेटा, वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन, काइनेमेटिक्स की बात करें इसकी, ठीक है? तो देखते बेटा, अगर मैं कहूं फॉर पी, तो देखते बेटा पी वाला पॉइंट जो कि बेटा यहां से आर की दूरी पे है, यहां से आर की दूरी पे है ना बेटा, अगर इस पी पॉइंट के बारे में सोचो तो क्या कहोगे बेटा? कहोगे ये जो ए है बेटा, ये इसका सेंटर है, ए इसका सेंटर है ना बेटा,
और कहेंगे ये इसका पॉइंट पी का डिस्टेंस है बेटा आर, और ये इस वाले पाथ में जा रहा है, बोलो बेटा है ना। तो बताओ सर्कुलर मोशन में घूमने वाले, सर्कुलर मोशन में घूमने वाले पार्टिकल का वेलोसिटी क्या होता है, v इज इक्वल टू आर ओमेगा है ना बेटा। तो कहेंगे इसकी वेलोसिटी ऐसे होगी बेटा, कितनी होगी, तो कहेंगे v ऑफ p इज इक्वल टू आर इंटू ओमेगा, बोल बेटा ठीक है ना, बात समझ में आई बेटा है ना। ये बात किसकी हुई, वेलोसिटी की बात हुई है ना। अब देखो मुझे एक्सीलरेशन की बात करनी होगी तो फिर से हम कहेंगे देखो, फिर से देखो बेटा ये पॉइंट ए, ए जो है बेटा वो सेंटर है, ए ये सेंटर है और पी वाला पॉइंट ऐसे सर्कुलर पाथ में जा रहा है बेटा है ना। तो हम कहेंगे इसमें एक तो होगा बच्चा सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन ऐसे की तरफ, बोलो ये होगा सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन, बोल बेटा है ना। क्या फॉर्मूला बताओ, वी स्क्वायर बाई आर या फिर बच्चा ओमेगा स्क्वायर आर है ना, ठीक है, क्योंकि रिजिड बॉडी है बेटा तो ओमेगा स्क्वायर करना ठीक है। अब क्या कहोगे कि इसका जो एक्सीलरेशन होगा टेंजेंशियल ऐसे होगा, ए टेंजेंशियल इक्वल टू आर अल्फा, बोल बेटा हो गया ना, और इन दोनों के बीच में एंगल हमारा होगा बेटा 90 डिग्री, बोलो है ना बेटा। और तुम जानते ही हो कि बॉडी अगर घूम रहा है बेटा तो बॉडी का सारा पॉइंट उस पॉइंट के अबाउट घूमेगा ना बेटा, तो हर पॉइंट का ओमेगा सेम होगा, हर पॉइंट का अल्फा सेम होगा, बोलो बेटा जितने सारे अलग अलग पॉइंट्स होंगे ये सारे पॉइंट का एंगुलर वेलोसिटी सेम, इन सारे पॉइंट का एंगुलर एक्सीलरेशन सेम, ठीक है बच्चा लिख लो इसको। जिस तरह से मैंने पॉइंट पी का निकाला बेटा तुम उसी तरह से सेंटर ऑफ मास का भी निकाल सकते हो ना, है कि नहीं, लिख लो। हर्ष बोल बच्चा। सर आपने क्लास में सर एक हिंज वाला क्वेश्चन कराया था, हाँ आज फिर से कराएंगे अगला क्वेश्चन, चिंता मत करो। सर जैसे मतलब कि उसमें आपने एक हिंज वाले सर जैसे मतलब ग्राउंड से अटैच था सर एक रॉड किसी पर्टिकुलर एंगल पे, हाँ तो सर आपने सर ग्राउंड से नॉर्मल क्यों नहीं लिया था, क्योंकि ग्राउंड को थोड़ी कहीं टच कर रहा था, वो तो हवा में था रॉड ना। तो सर लेकिन हिंज तो सर ग्राउंड पे फिक्स था ना। नहीं बच्चा ग्राउंड में नहीं था फिक्स वो, अच्छा हमारा ग्राउंड पे फिक्स नहीं था, ऐसे ही कहीं जमीन पे ऐसे मान लो कहीं दीवार पे हुक लगा, हुक से ऐसे लटका हो, रात देखो ओके सर करना क्या जरूरी है बच्चा है ना। ओके सर सार्थक बोल बेटा। टू आर अल्फा कैसे लिखा, at equal to r alpha तो फार्मूला होता है बच्चा, सर्कुलर मोशन ने पढ़ा था तुम, सेंट्रीपिटल और टेंजेंशियल एक्सीलरेशन। ओके सर शुभम बोलो बेटा। हेलो बोल बच्चा शुभम। हेलो हाँ बोल बेटा। सर a सेंट्रीपिटल इज इक्वल्स टू v स्क्वायर, v स्क्वायर अपॉन r क्यों नहीं हो सकता, हाँ वो भी हो सकता है, v स्क्वायर भी r भी हो सकता है, ओमेगा स्क्वायर r भी हो सकता है, लेकिन बेटा ओमेगा स्क्वायर r करने का फायदा ये है कि हर पॉइंट का ओमेगा सेम होगा, लेकिन v सबका सेम नहीं होगा बेटा है ना। ठीक है थैंक यू सर। आयुष हेलो बोल बेटा। गुड इवनिंग सर। सर मैं ये पूछ रहा था सर ये आरबीटी सर कब तक चलेगा, मतलब अभी टाइम लगेगा बेटा इसमें, सर बड़ा चैप्टर है ये है ना। अच्छा और सर हमारा फिजिक्स का कोर्स कब तक खत्म हो जाएगा सर, जनवरी तक उम्मीद करते हैं। जी थैंक यू सर। ओके बच्चा देखते बेटा, चलो एक सवाल देखा जाए इस पे, एक क्वेश्चन देखा जाए। देख बेटा यू मान ले बच्चा, यू मान ले क्वेश्चन में कि ऐसे हमारा है बेटा वर्टिकल लाइन, मतलब ऐसे ना होता है जी एक्सीलरेशन है ना बेटा। अब कहा कि मान लो ऐसे एक रॉड हो बेटा, ऐसे एक रॉड हो है ना, चाहे छोड़ो या नहीं, चलो ऐसे एक मान लेते हैं रॉड, एक ऐसे रॉड है बेटा
ठीक है, और ये हमारा हिंज है, ये हमारा हिंज है बच्चा, इस वाले पोजीशन पे। अभी रॉड कैसा है बेटा, हॉरिजॉन्टल है ना, रॉड का मास m, लेंथ l, और अभी वाले समय पे इसका एंगुलर वेलोसिटी है बेटा, अभी इसका एंगुलर वेलोसिटी है, और ओमेगा कितना है बच्चा इसका, ओमेगा इसका है स्क्वायर रूट जी एल बाई टू, सॉरी स्क्वायर रूट जी बाई टू एल, ये इसका एंगुलर वेलोसिटी है बेटा। ठीक है, तो सवाल कहता है पहला सवाल कहता है बेटा ड्रॉ, कहता है ड्रॉ एफबीडी, इसका एफबीडी बनाओ, इसका एफबीडी बनाओ है ना, एंड एंड फाइंड एंगुलर एक्सेलरेशन। तो समझते ही होगे एंगुलर एक्सेलरेशन कैसे आएगा, बोलो एंगुलर एक्सेलरेशन कैसे आएगा, पता ही तुमको है, टॉर्क से आता है ना बेटा, है ना। तो एट द गिवन इंस्टेंट, जिस इंस्टेंट पे डायग्राम दिया हुआ है ना, उस इंस्टेंट की बात करनी है। ठीक है बेटा, बी वाले पॉइंट पे कहता है बेटा फाइंड मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। ठीक है बेटा, सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन निकालना है। ठीक है बच्चा, सी पार्ट देखो, कहता है बेटा फाइंड फोर्स बाय हिंज, हिंज का फोर्स बताना है बेटा कितना होगा। चलो ट्राई करो, तो जैसे मैंने सिखाया भी वैसे ही करो। विद्यानिवास, ग्राफ वाला पोर्शन तो बेटा मेरे ख्याल से थर्ड या फोर्थ लेक्चर में होगा, देखना डिस्क्रिप्शन में चेक करो मिलेगा। टेस्ट में तो आ गया मोमेंट ऑफ इनर्सिया तक आ रहा है बेटा, टेस्ट में तुम्हारा मोमेंट ऑफ इनर्सिया तक आएगा। एकलव्यनाथ का आया कुछ आंसर, करो बच्चा करो, हर्षित का भी आया। हाँ बेटा, फोर्स के परपेंडिकुलर होता है, जहां दीवार बनाया ना बेटा वही हिंज लगा है, जहां दीवार है वही हिंज है। राज बोल बेटा। सर इस क्वेश्चन से पहले आपने कितना करवा दिया मेरा, थोड़ा 15 मिनट क्लास छूट गया। नहीं ये पहला ही क्वेश्चन है बेटा, थोड़ा थोड़ी पढ़ा था इसके पहले, थोड़ा सा बस, थोड़ा सा। सर आज वीडियो अपलोड हो जाएगा ना? हाँ हाँ एकदम हो जाएगा बच्चा, कर सूरज का भी आया, ए हर्षित राय का भी आया। करो बच्चों करो, एम बाई एल है क्या सर फर्स्ट का? नहीं बेटा, एम बाई एल थोड़ी होगा। सार्थक का भी आंसर आया, संस्कार का भी आंसर आया।
आलोक शुक्ला का भी आया आंसर। चल बच्चा देख मैं करता हूं, देखो बच्चा आंसर मैच कर रहा है। तो देख बेटा जैसा हमारा कंडीशन है उसके अकॉर्डिंग देख बेटा, पहला सवाल कहता है बेटा एबीडी बनाने के लिए, पहला पार्ट कहता है एबीडी बनाओ, है ना बेटा। तो चलो इस हिंज को मैंने एच मान लिया, तो हिंज वाला पॉइंट यहाँ पे एच है, ठीक है। अब देख बेटा यहां से फोर्स कैसे लगेगा, तो कहेंगे सेंटर ऑफ मास से ग्रेविटेशनल फोर्स आएगा बेटा, बोलो आएगा ना। और बोलो हिंज वाले पॉइंट से क्या आएगा, हिंज वाले पॉइंट से फोर्स आता है ना बेटा दो डायरेक्शन में, दो डायरेक्शन में एफ एक्स और एफ वाई, है ना। तो देख बेटा एक तो फोर्स मैंने मान लिया ऐसे एफ वाई, बोलो ये तो फोर्स मैंने मान लिया ऐसे एफ वाई, है ना। और मुझे पता है पहले से कि जो एफ एक्स आएगा बेटा वो इस तरफ आएगा, एफ एक्स जो आएगा वो इस तरफ आएगा मुझे पता है, ठीक है। लेकिन फिर भी मैं जानबूझ के गलत ले रहा हूँ, ठीक है, है ना। चलो मैंने जानबूझ के मैंने मान लिया कि ये फोर्स हमारा इधर होगा एफ एक्स, ठीक है बेटा। फोर्स का दो होता है ना कंपोनेंट, एफ एक्स और एफ वाई, ठीक है बच्चा। अब देखो अब फर्स्ट है बेटा कि बोलो बच्चा मैं वेट कर रहा हूं, बताओ कौन सा इक्वेशन। साउंड लॉस्ट, आवाज नहीं आ रही क्या हर्षित, आ रही आवाज ना, ठीक आवाज तो आ रही है बेटा। हाँ बोलो बोलो, एंगुलर एक्सीलरेशन के लिए कौन सा इक्वेशन लगाएंगे बेटा, मैं वेट कर रहा हूं। हाँ टॉर्क इक्वल टू आई अल्फा, सही बात। कौन से पॉइंट के अबाउट, कौन से पॉइंट के अबाउट बेटा, ए पॉइंट के अबाउट, एच पॉइंट के अबाउट, सही बात। क्या लिखेंगे, सिग्मा टॉ हिंज इज इक्वल टू आई अल्फा। बोलो मुझे बेटा हिंज के अबाउट जब टॉर्क लोगे तो एफ एक्स काम आएगा क्या, एफ एक्स काम आएगा क्या टॉर्क में, टॉर्क में एफ एक्स काम आएगा क्या, नहीं आएगा। एफ वाई, एफ वाई नहीं बेटा, कौन सा काम आएगा बोलो, ओनली एमजी, सिर्फ एमजी बेटा। तो देखो एमजी हमारा है ना बेटा परपेंडिकुलर, और mg ऐसे घुमाना चाहते हैं ना बेटा, तो ऐसे ही आएगा एंगुलर एक्सीलरेशन, क्योंकि एक ही फोर्स है बेटा। तो टॉर्क कितना लिखोगे, तो टॉर्क लिखोगे mg इंटू एल बाई टू। अब बोलो बेटा मोमेंट ऑफ इनर्सिया किस पॉइंट के अबाउट, मोमेंट ऑफ इनर्सिया किस पॉइंट के अबाउट, हिंज के अबाउट, बिल्कुल सही। कितना लिखेंगे, हिंज के अबाउट कितना आएगा, एम एल स्क्वायर बाई थ्री, बिल्कुल ठीक। क्या बच्चा, एम एल स्क्वायर बाई थ्री अल्फा, है ना बेटा। तो एम कट गया तो अल्फा आ गया बच्चा थ्री जी अपॉन टू एल। फर्स्ट पार्ट कंप्लीट, फर्स्ट पार्ट कंप्लीट, सेकेंड पार्ट फाइंड मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सीलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। चल देख बच्चा बी वाले पार्ट में, तो देख बेटा इस वाले पॉइंट पे हमारा है इंच, है ना, और ये हमारा है बच्चा सेंटर ऑफ मास। तो बोलो बेटा ये सेंटर ऑफ मास यहां से कितनी दूरी पे है, सेंटर ऑफ मास कितनी दूरी पे है, एल बाई टू, सही कहा। तो ये बेटा एल बाई टू है ना बेटा। तो अब बताओ इसके सेंटर ऑफ मास में अभी कैसा पाथ बनेगा, पाथ बोलो, इसका पाथ कैसा बन रहा होगा अभी, सेंटर ऑफ मास का पाथ कैसा बनेगा, सर्कुलर है ना बेटा। सर्कुलर पाथ में कौन कौन सा एक्सीलरेशन, बोलो बोलो, एक सेंट्रीपिटल है ना बेटा, और एक टेंजेंशियल है ना बेटा। अब बोलो सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन का फॉर्मूला बताओ, सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन का फॉर्मूला बताओ, क्या बोलोगे, ओमेगा स्क्वायर इंटू आर, आर हो गया एल बाई टू, ओमेगा स्क्वायर करो तो ये हो गया जी बाई टू एल इंटू एल बाई टू इज इक्वल टू जी बाई फोर, बोलो बेटा होगा, ठीक है बेटा। अब बोलो टेंजेंशियल कितना एक्सीलरेशन, टेंजेंशियल कितना एक्सीलरेशन, तो बोलेंगे बेटा अल्फा एल बाई टू, अल्फा देखो ये है ना बेटा,
तो कितना हो गया, तो कहेंगे 3g/4। बोल बेटा 3g/4 है ना बेटा। तो अब देख बेटा सेंटर ऑफ मास का दोनों एक्सेलरेशन है ना, तो सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन अगर हमें रिजल्टेंट पूछा जाए तो क्या बोलेंगे बेटा, ac² + at² बोलेंगे बेटा, बोलो ac² + at² बोलेंगे बेटा। कितना हो जाएगा बोलो, ये हो जाएगा बेटा g/4 √10। इतना आएगा बेटा m/s², बोलो। आगे बात समझ में, आगे बात समझ में, ठीक है बच्चा। अब चलो आ जाओ सी पार्ट में। सी पार्ट क्या कहता है देखो, फाइंड फोर्स बाय हिंज। फोर्स बाय हिंज निकालना है बेटा, तो फोर्स का दोनों कंपोनेंट निकालना पड़ेगा ना बेटा, है ना। तो चल देख दो, अगर मैं कहूं बेटा इन एक्स डायरेक्शन, ध्यान देना एक्स डायरेक्शन में कितने फोर्सेस हैं, हाउ मेनी फोर्सेस एक्स डायरेक्शन में कितने फोर्सेस हैं, ओनली वन। और कितने एक्सेलरेशन, वो भी ओनली वन, है ना बेटा। अब देखो फोर्स और एक्सेलरेशन अपोजिट डायरेक्शन में हो गया, फोर्स और एक्सेलरेशन उल्टा हो गया ना, इसलिए क्या लिखेंगे देखो, इसलिए कहूंगा मैं फोर्स नेगेटिव एक्स बराबर एम इन टू एक्स, किसके लिए, सेंटर ऑफ मास के लिए, बोलो। ठीक है बच्चा, है ना। तो क्या हो जाएगा fx = -mg/4, बोलो बेटा। ठीक है ना। अब चलो y डायरेक्शन में, अब बोलो बेटा y डायरेक्शन की बात करने वाले हैं, y में कितने फोर्सेस, दो फोर्सेस है ना, कौन कौन से, mg और fy, कौन से लिखेंगे, fy - mg या mg - fy, जल्दी बोलो mg - fy या fy - mg। बिल्कुल सही, mg - fy, क्योंकि इसका नीचे एक्सेलरेशन है बेटा, है ना। तो क्या हो जाएगा mg - fy = m (ay) of center of mass, बोलो बेटा, होगा ना। ठीक है, तो क्या हो जाएगा देखो, ये हो गया mg - fy = ये तुम्हारा तो क्या हो गया था, मास इंटू सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, ये हो जाएगा मास इंटू टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, ये हो गया बच्चा 3mg/4, इसका मतलब fy हो गया बच्चा mg/4, बोलो। ठीक है, तो ये बेटा हुआ fy और ये हो गया बेटा fx, तो f कितना हो जाएगा, f हिंज बराबर √f² + fy², इसका मतलब बेटा √2mg/4, बोलो बेटा। आगे बात समझ में, कोई दिक्कत किसी को, क्लियर है बच्चा, लिख ले फटाफट। फटाफट नोट कर ले बेटा। सर लास्ट स्टेप में क्या दिक्कत बेटा, लास्ट स्टेप में क्या दिक्कत, फोर्स बाय हिंज fx² + fy², सिंपल। हाँ बेटा डिस्कस करेंगे आज। सी का फर्स्ट पार्ट में तो यही लिखा बेटा x डायरेक्शन में। तो देखो ना बेटा x डायरेक्शन में कौन कौन सा फोर्स है, एक ही फोर्स है बेटा fx और ये है बच्चा एक्सेलरेशन, है ना। तो फोर्स और एक्सेलरेशन बेटा अपोजिट डायरेक्शन में हो गया, इसलिए मैंने फोर्स को नेगेटिव कर दिया। बेटा क्वेश्चन में एक्सेलरेशन की डायरेक्शन नहीं दिया, बिल्कुल सही बात, लेकिन खुद सोचो अगर एक रॉड को यहां से छोड़ोगे बेटा तो इसका किधर एक्सेलरेशन होगा, नीचे ही ना होगा बेटा एक्सेलरेशन, ये तो कॉमन सेंस की बात है बेटा, है कि नहीं। इरेज करूंगा बेटा, इरेज कर रहा हूं। ठीक है, अब चलो ऐसा ही क्वेश्चन लेकिन हल्का सा चेंज कर दिया। क्या कर दिया देखो, कहा मैंने कि मान लो बेटा एक ग्राउंड हो गया, है ना बेटा, एक ग्राउंड पे एक ऐसे रॉड रख दिया। ठीक है बच्चा, रॉड को रखा कितने एंगल पे,
53 डिग्री के एंगल पे और छोड़ दिया, है ना, रॉड को रखा 53 डिग्री एंगल पे और छोड़ दिया, है ना बेटा, छोड़ दिया मतलब क्या कहेंगे, रॉड इज रिलीज्ड फ्रॉम रेस्ट, है ना बेटा, रॉड को रेस्ट से छोड़ दिया, ठीक है बेटा। तो सवाल कहता है फाइंड, ठीक है, कहता है द पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट, द पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट, है ना बेटा, डू नॉट स्लाइड, जो पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट है बच्चा वो स्लाइड नहीं करेगा, ये फिसलेगा नहीं, ये वाला पॉइंट फिसलेगा नहीं, ठीक है। इसका मतलब देखो ऐसे बिहेव कर रहा है ना जैसे कि वो हिंज हो, फिसलेगा नहीं तो क्या हो गया, फिक्स पॉइंट हो गया ना ये, ठीक है, कौन रोकेगा इसको, तो बोलोगे फ्रिक्शन, है ना। तो सवाल कहता है जस्ट आफ्टर रिलीज, छोड़ने के तुरंत बाद, छोड़ने के तुरंत बाद क्या करना है, ड्रॉ एफबीडी एंड फाइंड एंगुलर एक्सिलरेशन, ठीक है बच्चा। दूसरा फाइंड मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सिलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास, ये भी सेम सवाल। अगला सवाल है फाइंड नॉर्मल फोर्स, फाइंड नॉर्मल फोर्स एंड फ्रिक्शनल फोर्स, ठीक है बेटा, चलो ट्राई करो, तो चलो ट्राई करो। करो बच्चा करो, बनाओ बच्चों बनाओ। आलोक का आ गया, अंशुल का आ गया, बाकी बच्चे भी करो। साहिल, हर्ष, सलोनी, सार्थक, अनुराग, तुम अमृतपुरी लग रहा है, अनुराग खतरनाक दिख रहा है विलेन एकदम।
और ऐसे लग रहा है कि मुझे ही देख रहा है, तो भाई फोटो चेंज कर ले यार, थोड़ा कुछ दिन पहले का फोटो लगा, बाल वाले फोटो लगा। नहीं मानेगा ये, डरा के ही मानेगा ये। चल देख बच्चा मैं करता हूं आंसर्स मैच करना। देखो बेटा सबसे पहले क्या क्या फोर्स लगेगा, तो देख बेटा सबसे पहला काम तो हमारा एफबीडी है ना, सबसे पहला काम बेटा हमारा एफबीडी है ना। तो देख बच्चा एफबीडी में ध्यान देना, ये बेटा कहेंगे इसका अगर ये रॉड है बेटा, ये अगर हमारा रॉड है तो देखते बेटा एफबीडी में कहोगे यहां से आएगा बेटा सेंटर ऑफ मास से ग्रेविटेशनल फोर्स है ना बेटा, यहां से आएगा नॉर्मल फोर्स है ना बेटा। लेकिन मुझे थोड़ा डाउट है, मुझे डाउट ये बेटा कि बताओ फ्रिक्शन फोर्स किधर लगाऊं, फ्रिक्शन फोर्स कैसे लगाऊं, लेफ्ट या राइट बोलो बेटा, फ्रिक्शन फोर्स कैसे लगाऊं, लेफ्ट या राइट। बहुत सही जा रहे हो बच्चों, बहुत सही जा रहे हो, गुड, बहुत अच्छे, ऐसे ही पढ़ाई करते रहो, बहुत अच्छा। स्लाइड नहीं किया ना बेटा तो स्टैटिक फ्रिक्शन, स्लाइड नहीं किया तो स्टैटिक फ्रिक्शन, गुड। ठीक है बेटा, अब देखो पहले वाले पार्ट में, पहले वाले पार्ट को देख के बताओ किसकी बात करनी है, फोर्स की या टॉर्क की। पहले वाले पार्ट में देख के बताओ किसकी बात करनी है, फोर्स की या टॉर्क की, टॉर्क की है ना बेटा, बिल्कुल सही। क्या लिखेंगे, टॉर्क इक्वल टू आई अल्फा, किस पॉइंट के अबाउट, किस पॉइंट के अबाउट, जो पॉइंट कॉन्टेक्ट में है, जो स्लाइड नहीं किया, ये वाला पॉइंट को ए मान लो, इसको बी मान लो, और ये बेटा सेंटर ऑफ मास सी मान लिया है ना बेटा। तो क्या कह देंगे बोलो, किसका टॉर्क बनेगा, सिर्फ mg, mg इनटू ये कितना डिस्टेंस, ये हो जाएगा बेटा l by 2 इनटू cos 53। आई कितना बच्चा, आई हो गया बेटा ml स्क्वायर बाई 3 है ना। तो देख तो m कैंसिल हो गया, एक l कैंसिल हो गया है ना बेटा, तो ये हो गया g, ये हो गया 3 यहां आएगा, तो अल्फा हो गया बेटा 9g by 10l। बोलो बेटा होगा, देखो तो 9g by 10l, बहुत सारे बच्चों ने दिया सही आंसर, बिल्कुल सही बात। ठीक है बच्चा, ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत तो नहीं बेटा किसी को, यहां तक किसी को कोई दिक्कत तो नहीं बच्चा, सबको क्लियर है ना, गुड। ठीक है बच्चों आगे देखो, अब देखो बी वाले पार्ट में, बी पार्ट कहता है बेटा मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सीलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास है ना बेटा। तो मुझे बताओ अभी सवाल में कहा गया था कि जस्ट आफ्टर रिलीज हमने छोड़ दिया है, तो इसमें कितनी एंगुलर वेलोसिटी है, बोलो बच्चा एंगुलर वेलोसिटी कितनी है, जीरो, बिल्कुल सही बात, एंगुलर वेलोसिटी जीरो है बेटा। तो देख बेटा अभी इसका सेंटर ऑफ मास जो होगा, अभी इसका सेंटर ऑफ मास जो होगा बेटा है ना, देखो ये सेंटर ऑफ मास इस ए वाला पॉइंट से कितनी दूरी है बेटा, तो कहोगे ना एल बाई टू की दूरी पे है ना बेटा। अभी यहां सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन होगा नहीं है ना बेटा, सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन होगा नहीं बेटा, बोलो है ना, सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन होगा नहीं, क्यों नहीं होगा बताओ, क्यों नहीं होगा, क्योंकि ओमेगा जीरो है, सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन जीरो है बच्चा है ना। ठीक है, तो चाहो तो ऐसे लिख भी दो, ऐसे सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन वो जीरो है क्योंकि ओमेगा जीरो है ना बेटा। और इसमें ऐसे होगा बेटा टेंजेंशियल एक्सीलरेशन, बोलो है कि नहीं, तो बोलो बेटा टेंजेंशियल एक्सीलरेशन कितना होगा बच्चा, तो कहेंगे एल बाई टू अल्फा, एल बाई टू अल्फा करो तो कितना हो जाएगा 9g by 20, बोलो बेटा होगा 9g by 20, क्लियर बेटा, किसी को कोई दिक्कत, यहां सबको क्लियर है बेटा, सबको क्लियर है बेटा यहां तक, हाँ थोड़ा सा ब्लड हो रहा है वीडियो, अभी सही हो जाएगा एकदम, चिंता मत करो, एक दो मिनट की बात है, मेरी बस बोल रहा हूं उस पर ध्यान दो, ठीक है, एक दो मिनट में सही हो जाएगा आपने यहाँ पे। चलो फोकस करो बच्चा, देखो तो ए निकल गया मेरा बेटा, अब आते हैं बेटा सी पार्ट में, सी पार्ट में कहता है फाइंड नॉर्मल फोर्स एंड फ्रिक्शन फोर्स है ना बेटा। तो बोलो तो नॉर्मल फोर्स और फ्रिक्शन फोर्स ये फोर्सेस किधर किधर है, एक तो फोर्स बेटा एक्स में है और एक फोर्स हमारा वाई में है ना बेटा, एक फोर्स हमारा एक्स में है
देखो एकदम क्लियर हो गया स्क्रीन, एकदम परफेक्ट हो गया अभी स्क्रीन, ठीक है। हाँ बोलो बेटा, फोर्स किधर किधर है? तो एक बेटा है देखो वाई में और एक हमारा एक्स में, है ना। और ये भी देखो बेटा किधर हमारा है, ये भी किधर है देखो वाई में, है ना। लेकिन देखो यहाँ रास्ते से कौन भटक गया है? रास्ते से भटक गया बेटा एक्सीलरेशन, है ना। रास्ते से भटक गया है कौन? एक्सीलरेशन। तो चलो बच्चा हम लोग इस बार एक्सीलरेशन को ही रिजोल्व कर लेते हैं, है ना, ठीक है। फोर्स को रिजोल्व करने के बजाय एक्सीलरेशन को ही रिजोल्व कर लिया जाए। देखते बच्चा, तो ऐसे मैंने मान लिया वर्टिकल लाइन, ऐसे मैंने मान लिया हॉरिजॉन्टल लाइन। तो देख बेटा ये हमारा एंगल था 53, तो ये हो जाएगा 37 और ये हो जाएगा बेटा 53, है ना। तो देख बेटा 80 का कंपोनेंट एक ऐसे आएगा बच्चा, क्या लिखेंगे इसको हम लोग, 80 साइन 53 और ऐसे लिखेंगे बेटा 80 कॉस 53, होगा बच्चा, ठीक है, बात समझे बेटा, ठीक है। अब देखते बच्चा क्या लिखेंगे हम लोग, अगर हम लिखे बेटा x डायरेक्शन में, तो देखते बेटा x डायरेक्शन में एक ही फोर्स है बस, और कोई फोर्स ही नहीं है बेटा। तो क्या हो जाएगा, एफ एस इज इक्वल टू एम इंटू सेंटर ऑफ मास का एक्सीलरेशन x डायरेक्शन में 80 साइन 53, है ना बेटा। क्या हो जाएगा 80 साइन 53, क्या हो जाएगा बच्चा ये, m इंटू 9g/20 इंटू साइन 53 कितना, 4/5, है ना बेटा। तो हो गया 9/25 mg। बोलो बेटा ये आ गया हमारा स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स, है ना बेटा। अब चलो वर्टिकल की बात करो, y डायरेक्शन में बात करो, इन y, तो y में क्या बोलेंगे बेटा, mg माइनस नॉर्मल इज इक्वल टू m इंटू 80 cos 53। बोलो बेटा mg माइनस n बराबर mAy, है ना बेटा। तो कितना हो गया देखते रहे, ये हो जाएगा बेटा 3/5, तो हो गया 27 gm/100, है ना बेटा। देखो तो ये 3/5 यहां मल्टीप्लाई करो तो 27/100, इसका मतलब बेटा n इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 73/100 mg, है ना बेटा। तो नॉर्मल भी निकल गया और फ्रिक्शन भी निकल गया, है ना बेटा, बात समझे। अब सोचो इस सवाल में एक और सवाल हो सकता है, इसमें एक और क्वेश्चन पूछ सकता है, क्या बताओ, कि इस वाले पॉइंट को स्लाइड नहीं करने के लिए कम से कम कोफिशियंट ऑफ फ्रिक्शन क्या होना चाहिए, पूछ सकता है ना। ये पॉइंट स्लाइड ना करे तो कम से कम कोफिशियंट ऑफ फ्रिक्शन क्या होगा, है ना। तो नॉर्मल निकाल चुके हो, फ्रिक्शन निकाल चुके हो, वो भी निकाल सकते हो, कैसे करेंगे बताओ। एफ एस लेस देन इक्वल टू म्यू एन, निकल जाएगा म्यू, ठीक है, लिख ले फटाफट। सवाल लगाना आसान, बोलो कितने लोग का सवाल डिफिकल्ट लगा, दोनों बताओ, लेंदी मत बोलना, डिफिकल्ट बोला, कितने लोगों को डिफिकल्ट लगा क्वेश्चंस, हैंड रेस करके बताओ। ऐसा कौन सा रहा कॉन्सेप्ट तुमको पता नहीं था, एक दो चक डिफिकल्ट लगा, दो बच्चा डिफिकल्ट लगा, दो बच्चे ने कहा डिफिकल्ट लगा अब तक। चौथा, चार लोग को डिफिकल्ट लगा, गौतम को मीडियम लगा, लास्ट वाला टप था, पांच बच्चा, छह बच्चा, बस छह साथी बच्चे हैं, छह साथी बच्चे टफ वाले हैं, आठ नौ, अब भाई नौ बच्चे अगर बोल रहे हैं डिफिकल्ट है 228 में से, तो कोई दिक्कत नहीं, हैंड रेस तो हो रहा है, डाउन हो रहा है, हो रहा है, डाउन हो रहा है। एक लिख रहा है वर्ल्ड मोस्ट डिफिकल्ट क्वेश्चन, दस बच्चा हो गया भाई, नहीं बच्चा आसान था, बस लिंक को पकड़े जाओ, कड़ी एक के बाद एक कड़ी है बेटा, एक के बाद एक कड़ी है, कड़ी को पकड़ते जाओ, है ना बेटा, बस सब बनता जाएगा, बिल्कुल चिंता मत करो। चलो इरेज करता हूं बेटा, इरेज कर रहा हूं। अब देख बेटा न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन में, न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन में याद है ना बेटा कांस्टेंट मोशन, न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन में कांस्टेंट मोशन पढ़ा था ना तुमने, याद करो पढ़ा था ना कांस्टेंट मोशन, ठीक है। तो क्या कहते थे, रस्सी
जिन दो पॉइंट को आपस में जोड़ेगा, रस्सी दिन जो पॉइंट को आपस में जोड़ेगा उनका वेलोसिटी और एक्सीलरेशन सेम होगा बेटा। बोलो स्ट्रिंग के डायरेक्शन में टी डॉट बी इक्वल टू जीरो याद आया, टी वेक्टर डॉट बी वेक्टर इक्वल टू जीरो, बी से प्रेशर इक्वल टू बी अप्रोच, है ना बेटा। ठीक है अब उसको थोड़ा सा उसको भी इस्तेमाल करना पड़ेगा। ठीक है चल देख दो, क्वेश्चन दे रहा हूं मैं, क्वेश्चन दे रहा हूं और तुम्हें उसका भी इस्तेमाल करना है। देख बच्चा सवाल क्या, देखो सवाल ये है बेटा कि एक रॉड है, ठीक है ये रॉड हमारा, ये हिंज लगा हुआ है, ये रॉड का बेटा हिंज है, रॉड का बच्चा है मास m लेंथ l, रॉड बेटा मास m और लेंथ l, ठीक है बच्चा। अब यहां से एक रस्सी बांधी, यहां से बच्चा एक रस्सी बांधी, रस्सी से एक लगाया पुली और इस पुली से एक मास लटका दिया नीचे m, ठीक है बच्चा। ठीक ये पुली कैसा है, ये मासलेस पुली है बेटा, है ना याद है ना, मासलेस पुली में क्या होता है दोनों तरफ सेम टेंशन सेम होता है ना बच्चा। ठीक है और रस्सी जो है ना बेटा ये लाइट स्ट्रिंग है, ठीक है रस्सी भी कैसा है हल्का। रिलीज्ड फ्रॉम रेस्ट, ठीक है बच्चा सिस्टम को हमने रेस्ट से छोड़ दिया। ठीक है तो सवाल कहता है बेटा फाइंड फाइंड एक्सिलरेशन ऑफ ब्लॉक, ठीक है बेटा कॉमा टेंशन इन द स्ट्रिंग, टेंशन इन द स्ट्रिंग, ठीक है बच्चा। एंड और निकालना है क्या, और निकालना है बच्चा एंगुलर एक्सिलरेशन ऑफ रॉड, ठीक है चलो और देता हूं, एंड एंड फोर्स बाय हिंज, इतनी चीजें निकालनी है तुमको, क्या क्या ब्लॉक का एक्सिलरेशन, टेंशन इन द स्ट्रिंग, एंगुलर एक्सिलरेशन ऑफ रॉड एंड फोर्स बाय हिंज, इतनी चीज निकालनी है ना। चलो ट्राई करो, बनाओ बच्चा बनाओ बनाओ, मैं आ रहा हूं दो मिनट में, तुम लोग बनाओ। हाँ बेटा आई एम बैक, यू कीप वर्किंग।
आलोक शुक्ला का आ गया, शिवम हैंड रेज करो, शिवम हैंड रेज करो, हर्षित का भी आया, लेकिन चेक करो बेटा हर्षित तरह गड़बड़ है कुछ। करो बच्चों करो, इतने बच्चों का हैंड रेज है। अनुराग बोल बच्चा, अनुराग बोलो। सर बोले सर टेलीग्राम में ज्वाइन कैसे करेंगे? तो मेरे को टेलीग्राम पे मैसेज कर सर, उसमें आप मैसेज करते हैं उसमें लिखाता है प्राइवेट चैनल कैन नॉट एंटर। भाई चैनल मत ना, तो मुझे मैसेज कर पर्सनली मेरे नंबर पे, ठीक है? नंबर पे? हाँ टेलीग्राम में मेरे नंबर को तो ढूंढ, ठीक है? हाँ, हाँ। ना? सर आप देखते हैं हम मैसेज किए थे, मैसेज किए हो तो मैं तुझे फिर मिलेगा, मैं कर दूंगा, मैं एक बार फिर कर देना मुझे, एक बार फिर से कर देना, ठीक है? कर दूंगा तुमको ऐड, ठीक सर। कम देख पाता हूँ बेटा, कम देख पाता हूँ, क्लास क्रेडिट बहुत ज्यादा बढ़ गया मेरे को आजकल। श्रेयांश बोलो, श्रेयांश आवाज नहीं आ रही बेटा, श्रेयांश चल। देख बच्चों मैं करता हूं इसको सॉल्व, देख बच्चा चलो तुम भी लोग मुझे हेल्प करोगे इसमें, बोलो बच्चा बताओ। जब इसको छोड़ेंगे, जब इसको छोड़ेंगे बच्चा है ना, तो बोलो तो ये वाला ब्लॉक किधर जाएगा और ये किधर जाएगा, बोलो बच्चा ये किधर जाएगा ब्लॉक, ऊपर या नीचे? नीचे आएगा, चलो ठीक है ये नीचे आएगा, तो बेटा ये ऐसे घूमेगा, बोलो बेटा ये नीचे आएगा तो ऐसे घूमेगा, तो चलो इसका मैंने मान लिया एक्सीलरेशन ए, तो इसका एंगुलर एक्सीलरेशन अल्फा होना चाहिए ना बेटा, बताओ? ठीक है अब सोचो, अब बेटा इसके इस वाले पॉइंट को देखो, रस्सी यहां बंधी है ना बेटा, रस्सी यहां बंधी है ना, तो देखो ये वाला पॉइंट जो होगा ये सर्कुलर पाथ में जाना चाहेगा ना बेटा, बोल सर्कुलर पाथ में जाना चाहेगा ना, तो देख बेटा इस वाले पॉइंट पे ऊपर की तरफ होगा ना बेटा, बोलो एक्सीलरेशन अल्फा इंटू एल, बोल बेटा होगा उस वाले पॉइंट का एक्सीलरेशन बेटा अल्फा इंटू एल होगा बच्चा, है ना? अब देखो रस्सी के इस वाले पॉइंट का और इस वाले पॉइंट का बेटा सेम ना होना चाहिए एक्सीलरेशन, तो पहला एक्सीलरेशन इक्वेशन ए बराबर अल्फा एल, बोल बेटा होगा, पहला इक्वेशन ए इक्वल टू अल्फा एल, क्लियर बेटा? इस वाले पॉइंट का इस वाले पॉइंट का सेम, चाहो तो समेशन ऑफ टी डॉट बी इक्वल टू जीरो भी कर लो, कोई दिक्कत नहीं है ना। अब चलो एफबीडी पे आते हैं, फ्री बॉडी डायग्राम पे, तो देख बेटा फ्री बॉडी डायग्राम पे आओ तो क्या बोलोगे, बोलोगे बेटा कि इस रॉड के लिए, इस रॉड के लिए क्या बोलेगा, ऐसे एम जी है ना बेटा, ऐसे टेंशन टी है ना बेटा, यहां से फोर्स, ऐसे बेटा एफ एक्स और ऐसे एफ वाई, बोल बेटा होगा, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में एफ एक्स और वर्टिकल एफ वाई। अब इसका देख बच्चा, इसका बोलेगा नीचे एम जी है ना, ऊपर टेंशन, दोनों तरफ टेंशन सेम लोगे ना बेटा, बोलो, क्योंकि ये पुली है, पुली है मासलेस, पुली है मासलेस, ठीक है बेटा? अब मुझे बताओ इस ब्लॉक में कैसा मोशन है, ट्रांसलेशनल रोटेशनल या दोनों, बोल बच्चा ब्लॉक में कैसा मोशन, ट्रांसलेशनल है ना बेटा, तो ट्रांसलेशनल मोशन के लिए क्या लिखेंगे हम, कहेंगे बेटा फॉर ब्लॉक, फॉर ब्लॉक क्या होगा, एम जी माइनस टी बराबर एम ए, इक्वेशन नंबर टू। अब बोलो फॉर रॉड, रॉड में कैसा मोशन बेटा, रॉड में कल क्या लिए हो तुम, अल्फा लिए हो ना, अभी रोटेशनल की बात करोगे, हालांकि इसमें दोनों बातें हैं लेकिन अभी तुम अल्फा की बात करो, तो क्या लिखोगे बेटा, सिग्मा टाउ
इज इक्वल टू आई अल्फा, सिग्मा टो देखना। तो देखो बेटा रॉड ऐसे घूम रहा है ना, तो टॉर्क किसका बन रहा है, एमजी का और टेंशन का, है ना बेटा। तो देखो टेंशन जो फोर्स है बेटा, टेंशन ये इसको ऐसे घुमाना चाहता है और एमजी इसको ऐसे घुमाना चाहता है ना बेटा। तो बोलो किसका टॉर्क बड़ा है, किसका टॉर्क बड़ा है, टेंशन का या एमजी का, बोलो बच्चा। टेंशन का, बिल्कुल सही बात। तो क्या लिखेंगे बेटा, टेंशन इंटू एल बाई टू माइनस एम, टेंशन इंटू एल माइनस एम जी एल बाई टू इक्वल टू एम एल स्क्वायर बाई थ्री इंटू अल्फा, बोल बेटा होगा। अब देखो बच्चा सब में एल कैंसिल कर दो, सब में एल कैंसिल कर दो और इक्वेशन नंबर वन को इस्तेमाल कर लो, वन को इस्तेमाल कर लो, ए बराबर अल्फा एल, फिर हो जाएगा टी माइनस एम जी बाई टू इक्वल टू एम ए बाई थ्री, बोल बेटा होगा, होगा, समझ गए बच्चा। अब इसको और इसको ऐड कर लो, इक्वेशन नंबर टू और इक्वेशन नंबर थ्री इसको ऐड कर ले बेटा, तो क्या हो जाएगा, एम जी बाई टू इज इक्वल टू फोर बाई थ्री एम ए, है ना बेटा। तो ए कितना हो जाएगा, थ्री जी बाई एट, बोल बेटा बात समझ गए, ए हमारा आ गया बेटा थ्री जी बाई एट, क्लियर। तो फर्स्ट पार्ट निकल गया है ना। अब देखो टेंशन निकालना है बेटा, है ना, तो इसको तू इस्तेमाल कर ले इक्वेशन नंबर टू में, इसको इस्तेमाल कर ले बेटा इक्वेशन नंबर टू में। तो क्या कहोगे, एम जी माइनस टी बराबर एम ए, ए कितना बच्चा थ्री जी बाई एट, इसका मतलब थ्री एम जी बाई एट, इसका मतलब टी कितना हो गया बेटा, ये हो गया फाइव बाई एट एम जी, बात समझ में आई बेटा, टी इक्वल टू फाइव बाई एट एम जी, ठीक है। अब देखो बेटा, अब मैं बात करूं किसकी, एंगुलर एक्सिलेशन ऑफ रॉड। तो देखो बेटा रॉड का एंगुलर एक्सिलेशन क्या होगा, इक्वेशन नंबर वन इन वन अल्फा बराबर क्या बोलेगा बेटा ए बाई एल, इसका मतलब थ्री जी बाई एट एल, बोल बेटा होगा थ्री जी बाई एट एल, ठीक है। अब देख बेटा लास्ट वाला कहता है फोर्स बाय हिंज, हिंज का फोर्स निकालना है बेटा एफ एक्स एफ वाई, है ना, इसका मतलब किसकी बात करनी पड़ेगी बोलो, रॉड के ट्रांसलेशनल मोशन की, है ना बेटा, सेंटर ऑफ मास ऑफ रॉड, ठीक है। तो देख बेटा हम बात करेंगे सेंटर ऑफ मास ऑफ रॉड, है ना। तो देखना बेटा ये हो गया रॉड का हिंज पॉइंट, ये हो गया बेटा इसका सेंटर ऑफ मास, है ना बेटा, ये हो गया इसका सेंटर ऑफ मास। क्या कहोगे, सेंटर ऑफ मास की दूरी कितनी बेटा, एल बाई टू, और ऐसे जा रहा है बेटा ये सर्कुलर पाथ में, बोलो ठीक है। तो इसका देखो अल्फा था ना बेटा एक्सिलरेशन, तो क्या लिख दोगे इसका टेंजेंशियल एक्सिलरेशन, कितना बच्चा अल्फा एल बाई टू, अल्फा एल बाई टू कितना हो जाएगा, देखो अल्फा एल बाई टू कितना हो जाएगा, बोलो ये हो जाएगा थ्री जी बाई सिक्सटीन, बोल बच्चा होगा ना, ठीक है। अब देख बेटा हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोई एक्सिलेशन है क्या, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में एक्सिलेशन है क्या, हॉरिजॉन्टल में एक्सिलेशन है क्या, नहीं ना बच्चा, क्योंकि इसका ओमेगा जीरो है बेटा, बोलो ओमेगा अभी जीरो है। तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में देख बेटा एक ही फोर्स है एफ एक्स और कोई एक्सिलेशन भी नहीं है, है ना बेटा। इसका मतलब अगर एक्स में कहोगे तो कहेंगे एफ एक्स बराबर जीरो, एक्स में कहेंगे बेटा तो एफ एक्स बराबर जीरो, और अगर वाई में कहो तो वाई में क्या कहोगे, टेंशन टी प्लस एफ वाई माइनस एम जी इक्वल टू एम ए टेंजेंशियल, बोल बेटा होगा, ठीक है। तो पुट करो टेंशन टी की वैल्यू कितनी थी बेटा, फाइव बाई एट एम जी प्लस एफ वाई माइनस ऑफ एम जी बराबर एम ए टी, एम ए टी कितना हो जाएगा बच्चा, ए टी हमारा कितना था थ्री जी बाई सिक्सटीन, तो हो गया बच्चा थ्री एम जी बाई सिक्सटीन, इसका मतलब बेटा एफ वाई कितना हो जाएगा, तो कहेंगे एम जी ऑफ वन माइनस फाइव बाई एट प्लस थ्री बाई सिक्सटीन, इसका मतलब बच्चा देखो सिक्सटीन बाई सिक्सटीन माइनस टेन बाई सिक्सटीन, तो सिक्स बाई सिक्सटीन प्लस थ्री बाई सिक्सटीन, ये हो गया बच्चा नाइन बाई सिक्सटीन एम जी, ठीक है, नोट कर ले बच्चा।
नहीं बेटा टेंशन वर्टिकल है अभी, टेंशन अभी वर्टिकल है बेटा। सिड बोलो बेटा, आवाज नहीं आ रही तुम्हारी, नो साउंड एट ऑल। नयन हेलो, सर आवाज आ रही? हाँ आ रही बेटा बोलो। रॉड रोटेट करेगा तो उसका टेंजेंशियल एक्सेलरेशन सेंटर ऑफ मास और दूसरी जगह पे अलग अलग होगा ना? हाँ बेटा हर पॉइंट अलग अलग ही होगा, सही बात, लेकिन रूल तो ये होता है ना, रिजल्टेंट फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास ना बेटा, है ना? कौस्तुभ बोलो। हेलो सर, बोलो बेटा। सर वो a is equal to alpha l कैसे लिखा है आपने, समझ नहीं आ रहा मेरे को। कौन बेटा कहाँ पे? जो फर्स्ट इक्वेशन जो है, फर्स्ट इक्वेशन में लिखा है। अच्छा a बराबर alpha l, तुम उस पॉइंट पे करना बेटा, t dot v बराबर जीरो करना बेटा, आ जाएगा। अच्छा ठीक है सर, है ना। चलो एक क्वेश्चन और करते हैं बेटा, है ना, उसके बाद डिस्कस करेंगे। अभी थोड़ा सा ब्लर्ड है स्क्रीन, तो साफ होता तो मैं लिखता हूं या लिख ही दे रहा हूं, है ना, साफ हो ही जाएगा थोड़ी देर में। हो रहा है साफ, ऐसे हो रहा है स्क्रीन साफ। देख बच्चा अगला सवाल देखो, अगला सवाल ये है बेटा कि मान लो ऐसा एक पुली है बेटा, ऐसा एक पुली है, ठीक है, ये पुली का आकार जो है वो डिस्क है, मास m रेडियस r, और देख बेटा ये सेंटर पे हिंज किया हुआ है, समझा? मतलब सोचना तुम्हें क्या इसके बारे में है, इसके बारे में तुम्हें बेटा ऐसा सोच के चलना है ना, कि मान लो इसको सेंटर पे एक होल कर दिया, ठीक है बच्चा, सेंटर पे एक होल कर दिया, है ना, सेंटर पे एक होल करके दीवार में ठोक दिया इसको, है ना, सेंटर पे एक होल करके बेटा दीवार में ठोक दो, है ना। अब देखो बेटा ये घूम सकता है ना, ऐसे 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 घूम सकता है, लेकिन इसका सेंटर यहां वहां नहीं भाग सकता, ठीक है। तो देख बेटा अब क्या किया मैंने, इस पे एक रस्सी लपेट दी, इस पे एक ऐसे ऐसे रस्सी लपेट दी, और रस्सी लपेट करके उस रस्सी को नीचे लटका दिया, और यहां से एक ब्लॉक लटका दिया, ब्लॉक का मास हमारा 2m है, ठीक है बेटा। तो सवाल कहता है फाइंड एक्सिलरेशन ऑफ ब्लॉक कॉमा टेंशन इन द स्ट्रिंग, ठीक है बच्चा, एंड एंगुलर एक्सिलरेशन ऑफ पुली, ठीक है बेटा, जस्ट आफ्टर रिलीज, छोड़ने के तुरंत बाद, ठीक है। चलो करो, बनाओ बच्चा, स्क्रीन एकदम क्लियर है, एकदम फर्स्ट क्लास, बनाओ बच्चा। लालू लाल क्या खतरनाक नाम है, बोलो बच्चा। बोल बेटा बोल, क्या पूछना है? हेलो, हाँ बोल बेटा। हेलो, गुड इवनिंग सर। सर मैं गुड इवनिंग सर, हम कभी भी कोई रॉड ऐसा जमीन पे रखते हैं अटैच तो सर नेटवर्क तुम्हारा बहुत पुअर है बेटा, सुन नहीं पाया तुम्हारी कोई बात में, थोड़ा सा विंडो वगैरह के पास आओ ना, खुली खिड़की के पास आओ, बेटा डिस्क का डायरेक्शन क्या पूछता है बच्चा, एक बच्चा लिख रहा है बार बार कि डिस्क का डायरेक्शन बताओ, डिस्क का डायरेक्शन क्या बोलेगा बेटा, ऐसे डिस्क मान ले, यहाँ छेद किया, दीवार में फिक्स कर दिया, रस्सी लपेट दी, ब्लॉक लटका दिया, छोड़ दिया, अब ब्लॉक नीचे आएगा, पुली घूमेगा, ऐसे डिस्क का डायरेक्शन क्या बताऊं
बनाओ बच्चे बनाओ। एट जी बाय नाइन आ रहा है किसी का? मुझे पता नहीं क्या आएगा बेटा, मुझे नहीं पता आंसर इसका, मुझे इसका आंसर नहीं पता बेटा, मैं सॉल्व करूंगा तो आएगा। पासिंग थ्रू एक्सिस पासिंग थ्रू डायमीटर नहीं है बच्चा, ये एक्सिस ऑफ सिमेट्री है, ये ऐसे ऐसे घूमेगा ऐसे ऐसे, है ना, एक्सिस ऑफ सिमेट्री है। करो अच्छा बेटा, हम लोग का सेंटर ऑफ मास का डिस्कशन पूरा हो गया था ना कंप्लीट, सेंटर ऑफ मास पूरा हो गया था ना हर्षित, पूरा हो गया था, मतलब आज आरबीडी करना है हम लोग को डिस्कस। ओके पार्ट वन सेक्शन एबीसी, पार्ट वन सेक्शन एबीसी दिया था ना, सेक्शन ए और बी कर लेते हैं बेटा, तुम्हारा एग्जाम में इतने ही तक आएगा, उतने ही करेंगे डिस्कस, ज्यादा बोलोगे ज्यादा कर लेंगे। ज्यादा करना है ठीक है कर लेंगे पूरा, कोई दिक्कत नहीं। डाउट बहुत ज्यादा आ रहा है क्या तुम लोग का, डाउट बहुत ज्यादा आया है क्या? नहीं ना, ठीक, डाउट है कोई बात नहीं, कर लेंगे डिस्कशन से मत लो, बिल्कुल टेंशन मत लो। चल देख बच्चा मैं बनाता हूं, देखो बोलो बेटा, इस कंडीशन में मोशन कैसे होगा, देखो मोशन ये नीचे आएगा बेटा, एक्सेलरेशन ए से, और देख बेटा ये ऐसे घूमेगा एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फा से, है ना बेटा। अब देखो इस वाले पॉइंट का, देख बच्चा इस वाले पॉइंट का और इस वाले पॉइंट का होगा ना बेटा सेम एक्सेलरेशन, होगा ना, और फिर देखो इस वाले पॉइंट का और इस वाले पॉइंट का होगा ना बेटा सेम एक्सेलरेशन, है ना, तो इस वाले पॉइंट का और इस वाले पॉइंट का सेम होगा बेटा एक्सेलरेशन, है ना। तो देखो अगर ये ऐसे अल्फा से घूम रहा है बेटा, तो इसका एक्सेलरेशन नीचे की तरफ होना चाहिए आर अल्फा, है ना बेटा, ठीक है। अब देखो इसका और इसके लिए क्या बनेगा इक्वेशन, इक्वेशन क्या बनेगा बेटा, ए इज इक्वल टू आर अल्फा, इक्वेशन नंबर वन, बोल बेटा, ठीक है। और देख बेटा इस ब्लॉक के लिए एफबीडी बनाओ, तो क्या कहोगे, टेंशन टी ऊपर एम जी नीचे, है ना बेटा, तो इसका इक्वेशन क्या हुआ, एम जी माइनस टी बराबर एम ए, इक्वेशन नंबर टू, है ना बेटा। इसके लिए देखना बेटा, इसके लिए, इसके देखना डिस्क के लिए, बोलोगे ऐसे एफ एक्स, है ना बेटा, ऐसे एफ वाई, है ना बेटा, और सेंटर ऑफ मास से एम जी, है ना। अच्छा एक मिनट, इसका मास 2m था ना, तो 2mg होगा बेटा, है ना, ठीक है। अब देख बच्चा इसके लिए अगर टॉर्क की बात करोगे तो सिर्फ और सिर्फ टेंशन का टॉर्क बनेगा, इन तीनों में से किसी का टॉर्क नहीं बनने वाला, है ना। तो अगर तुम डिस्क की बात कर रहे हो बेटा, तो T इंटू आर इक्वल टू आई अल्फा, है ना बेटा, तो हो गया T इंटू आर, डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्सिया एम आर स्क्वायर बाई टू अल्फा, कट गया बेटा, T इक्वल टू एम आर बाई टू अल्फा, इक्वेशन नंबर थ्री। देखो बेटा ये तीन वेरिएबल में तीन इक्वेशन है, सॉल्व कर लेंगे फटाफट,
है ना बेटा, क्या होगा देखो अब इन दोनों को ऐड कर लो तो कितना आ जाएगा बच्चा ए बराबर। अब खुद सॉल्व कर लेना, खुद सॉल्व कर लेना, ए टी अल्फा निकाल लेना, ठीक है। तीन वेरिएबल है, तीन इक्वेशन है, ठीक है, फटाफट लिखो, अब मैं डिस्कस करूंगा। हाँ बेटा वो टू ए में लिखा है मैंने, पहले छूट गया था फिर मैंने ठीक कर दिया इसको, टू ए में है बेटा ये। फटाफट बोर्ड पे जो लिखा है उसको स्क्रीनशॉट ले लो, क्योंकि मैं डिस्कस करने के लिए स्क्रीन शेयर करूंगा, अभी डिस्कस करने के लिए स्क्रीन शेयर करूंगा। हाँ बेटा आर अल्फा डिस्क वाले बाउंड्री का है, नयन बोलो। हेलो सर। सर हाँ बोल बच्चा। टाइम बहुत कंफ्यूजन हो रहा है किसमें सर, इसमें जैसे हम हमने एक्सेस कैसे लिया सर, जिस पॉइंट के अबाउट हमने टॉप निकाला है उसका एक्सेस कैसे ले रहे हैं। अरे बच्चा मैं तुम्हें कैसे इमेजिन कराऊं, चलो कोशिश करता हूँ, ढूंढता हूँ कागज वागज। देखिए बच्चा लिख रहा है स्क्रीन शेयर में समझ में नहीं आता है, बदमाश कहीं का, डिस्कशन में भी नहीं चलेगा स्क्रीन शेयर। एकदम चलेगा स्क्रीन शेयर डिस्कशन में, लिखने में कितना आसानी होता है, क्वेश्चन भी सामने होता है सोल्यूशन भी सामने होता है। चल देख बेटा ये बन गया डिस्क, ये बन गया बेटा डिस्क, है ना। अब देखो डिस्क के सेंटर में कर दिया मैंने होल, समझा, ठीक है। अब मैंने कहा था यार रस्सी बांध दो तो ऐसे ऐसे घूमेगा, तो बताओ अगर ऐसे ऐसे घूमेगा तो नहीं पहचान सकते कौन सा एक्सिस है, बोल रहे हैं, समझ गया नयन। यस सर समझ गया। चलो सीट निकलो सब लोग, अब लगा पूछने। पहले मैं स्क्रीन शेयर कर लूं फिर पूछते हैं ना। चल देख शेयर हो गया स्क्रीन, चल मैं भी सामने आता हूँ तुम्हारे। चलो अब देख मैं भी आ गया सामने, है ना, स्क्रीन भी आ गया सामने। अब चलो बोलो सेक्शन ए से पूछो, सेक्शन ए में क्या पूछना है बच्चा, सेक्शन ए में ए वन ए टू दो ही सवाल है, कोई नहीं पूछना ना। अच्छा ए के विष्णोई को ए टू पूछना है, देखते बच्चा। चल देखिए इसको सीख, देख बेटा सवाल में क्या कहता है, सवाल में कहता है बेटा कि देख बच्चा सवाल में कहता है बेटा, देख बेटा सॉल्यूशन में कहता है एट बॉडी रोटेटिंग विद 20 रेडियन पर सेकेंड, इसका मतलब बेटा इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी ये हो गया 20 रेडियन पर सेकेंड इज एक्टेड अपॉन बाय ए यूनिफॉर्म टॉर्क, ठीक है बच्चा, प्रोवाइडिंग इट एंगुलर डिसेलरेशन, बच्चा ये एंगुलर डिसेलरेशन है, इसका मतलब नेगेटिव हो गया बच्चा 2 रेडियन पर सेकंड स्क्वायर, एट विच टाइम द बॉडी विल हैव काइनेटिक एनर्जी सेम एज द इनिशियल वैल्यू। तो देख बच्चा ये तो बात बहुत क्लियर है कि अगर
अल्फा की वैल्यू नेगेटिव है ना, अल्फा की वैल्यू अगर नेगेटिव है बच्चा, इसका मतलब क्या है कि ओमेगा घटेगा, है ना बेटा, ओमेगा घटेगा, ओमेगा जब घटेगा बेटा है ना, लेकिन काइनेटिक एनर्जी सेम होना चाहिए। तो देखो बेटा, अगर काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू सेम है ना, तो काइनेटिक एनर्जी बच्चा स्केलर क्वांटिटी है ना, काइनेटिक एनर्जी हमारा स्केलर क्वांटिटी है, इसका मतलब डायरेक्शन से फर्क नहीं पड़ता है ना बेटा, इसका मतलब फाइनल एंगुलर वेलोसिटी अगर नेगेटिव डायरेक्शन में होगा तो सेम हो जाएगा बच्चा, ठीक है। अब लगा दो फॉर्मूला, ओमेगा फाइनल इक्वल टू ओमेगा इनिशियल प्लस अल्फा टी, अब यहां से टी निकाल लो, ठीक है। अब चलो बी में आओ, बी वन हो गया सबका ना, बी टू पूछना है सार्थक को, देख सार्थक बी टू, और बी थ्री पूछना है किसी और को, पहले बी टू देखा जाए, देख बच्चा बी टू में देखना बच्चा, बी टू क्वेश्चन नंबर कहता है बेटा, बी टू क्वेश्चन हमारा कह रहा है क्या, देखो कहता है बेटा, ए यूनिफॉर्म ट्रायंगुलर प्लेट ऑफ मास m होज वर्टिसेस आर ए बी सी हैज लेंथ l, सब डायग्राम देख लो, एज शोन इन द फिगर फाइंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ दिस प्लेट अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू b एंड परपेंडिकुलर टू प्लेन, है ना बेटा, किसको बात करनी है, एक मिनट, हाँ बोलो सूर्यांश बोलो, हेलो, हाँ बोलो बोलो सर, ये कह रहे हैं जो लास्ट क्वेश्चन में आपने आई की जगह एम सर, हेलो, हाँ बोलो बोलो सर, ये कह रहे हैं आपने आई की जगह एम स्क्वायर बाय टू लिखे थे, तो एम हाँ? पे जगह टू एम होगा ना वहाँ पे भी, नहीं बच्चा वो डिस्क का मास था ना रे, यस सर, ठीक है, हर सेंड्रेस करो, बोलो हर्ष, आवाज नहीं आ रही बेटा हर्ष, हर्ष आवाज नहीं आ रही है बच्चा, तुम माइक ठीक करो अपना, तब तक मैं करता हूं डिस्कस। देख बच्चा सवाल कहता है फाइंड द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द प्लेट अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू पॉइंट बी एंड परपेंडिकुलर टू प्लेन, देख बच्चा कहता इस वाले एक्सिस के अबाउट अगर ऐसे घूमेगा बेटा तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा, है ना। तो देख बेटा इस सवाल का हमारे पास कोई आंसर नहीं है, क्योंकि हमने ट्रायंगल का मोमेंट ऑफ इनर्शिया पढ़ा ही नहीं बच्चा, ट्रायंगल का मोमेंट ऑफ इनर्शिया पढ़ा ही नहीं है ना बेटा, लेकिन ट्रायंगल को देख करके ये अंदाजा लगा सकते हैं बच्चा, देख कि अगर इसमें मैं ऐसे एक ट्रायंगल और जोड़ दूं, ठीक है बच्चा, ऐसे एक ट्रायंगल और जोड़ दूं, ठीक है बेटा, है ना, और ऐसे एक ट्रायंगल और जोड़ दूं तो क्या बन जाएगा, ये बोलो क्या बन जाएगा, बन गया बेटा इसको आप प्लेट, बोलो ये बन गया इसको आप प्लेट ना बेटा, ठीक है। तो देख बेटा अगर इसका मास m है तो इन सब का मास m है बेटा, तो पूरे इसको आप प्लेट में ऐसे घूमता है, तो अपने नोट्स में चेक करना, तुमको मिलेगा इसका फॉर्मूला m a स्क्वायर बाय 6, तो m हो गया बेटा 4m into l स्क्वायर, l कितना लंबाई, ये ना बेटा l, बोलो ठीक है ना। तो अगर ये इसका l है बच्चा तो क्या कर दोगे, इसका कितना हो जाएगा l स्क्वायर बाय 6, है ना बेटा, m l स्क्वायर बाय 6, ठीक है। तो देखो बेटा ऐसे ऐसे मैं चार प्लेट लगाया, इसका मतलब 4i ना हो गया बेटा, तो i कितना हो जाएगा, तो i हो जाएगा बच्चा ml स्क्वायर बाय 6, आई बात समझ में, ठीक है। वरुण को पूछना है b1, देख बेटा वरुण कहता है कैलकुलेट द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ यूनिफॉर्म स्क्वायर प्लेट ऑफ मास m एंड साइड l अबाउट वन ऑफ डायगोनल्स, कहता है बेटा स्क्वायर प्लेट का मोमेंट ऑफ इनर्शिया डायगोनल के अबाउट, अपने नोट में चेक करो, कराया हुआ है क्वेश्चन, हाँ बेटा एम ए स्क्वायर बाय 6 याद करो, B3 देखो बच्चा, B3 में कहता है फाइंड द मोमेंट ऑफ इनर्शिया, फाइंड द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए यूनिफॉर्म हाफ डिस्क अबाउट एन एक्सिस परपेंडिकुलर एंड पासिंग थ्रू इट सेंटर ऑफ मास, है ना बेटा, सेंटर ऑफ मास पे निकालना है। तो देख बच्चा ये हो गया हमारा सेमी डिस्क, है ना, देख बच्चा ये अगर हमारा सेमी डिस्क है तो तुमको याद है ना बेटा सेमी डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया, सॉरी सेंटर ऑफ मास, सेंटर ऑफ मास यहाँ पे होता है ना बच्चा, बोलो
यहाँ इसका होता है बेटा सेंटर ऑफ मास और ये आर सी एम की दूरी तुमको याद करवाया था मैंने, ये होता है बच्चा 4r/3π होता है, ठीक है। अब सोचो अगर मैं कहूं बेटा इस वाले के अबाउट अगर ऐसे घूम रहा हो है ना, तो इसके अबाउट लिख दिया मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई, तो आई कितना होगा बच्चा, आई होता है ना mr²/2, जो फॉर्मूला डिस्क का होगा बेटा वही सेमी डिस्क का होगा। अपना कॉपी चेक करो, सब कराया हुआ चीजें हैं सब, कि आधा करने से 1/4 करने से है ना बेटा mr²/2। अब देख बेटा मैं अगर ये इसके अबाउट घूमेगा तो फॉर्मूला लगा दूंगा मैं आई बराबर आई सी एम प्लस एम इंटू आर सी एम का स्क्वायर, तो आई हो गया बच्चा mr²/2 बराबर आई सी एम प्लस एम इंटू ये है बच्चा 4r/3π का स्क्वायर। अब निकाल लो इससे आई सी एम की वैल्यू, ठीक है बेटा है ना। चलो आगे बढ़ो, बी4 सबका हो ही गया होगा है ना। अब चलो पार्ट टू में आ जाओ। पहले पार्ट टू का सेक्शन ए भी कर लेते हैं क्योंकि एग्जाम में तुम्हारा बी तक ही आएगा। चलो बेटा पार्ट टू भी निकालो, पार्ट टू का सेक्शन ए में कोई डाउट? प्रशांत मिश्रा को पूछना है A2। देख बच्चा A2 में A2 क्वेश्चन क्या कहता है देखो, A2 कहता है बेटा ए ब्लॉक हैंग्स, एक ब्लॉक जो है बेटा वो लटका हुआ है ना, ए ब्लॉक हैंग्स फ्रॉम ए स्ट्रिंग रैप्ड ऑन ए डिस्क ऑफ रेडियस 20 सेंटीमीटर। ये मान लो डिस्क, इस डिस्क बेटा एक रस्सी लपेट दिया, रस्सी लपेट करके ऐसे रस्सी लटका दिया और ये लटका दिया बेटा ब्लॉक, ठीक है। अब कहता है इसका रेडियस जो है बच्चा ये 20 सेंटीमीटर है ना, और ये ऐसे घूम रहा है बेटा, इसका ओमेगा तुमको दिया है, ओमेगा दिया है 10 rads/s और ये 20 सेंटीमीटर इसका रेडियस है। तो कहता विथ व्हाट स्पीड इज द ब्लॉक गोइंग डाउन एट द इंस्टेंट, कहता है ब्लॉक की स्पीड क्या होगी, तो मान लो इस ब्लॉक की स्पीड भी है। अब देख बेटा इस रस्सी के बारे में सोचो तो क्या कहोगे, इस वाले पॉइंट का स्पीड क्या होना चाहिए, v है ना बेटा, और जो ऊपर पॉइंट है बेटा यहाँ वाला पॉइंट है ये सर्कुलर पाथ में जा रहा था ना बेटा, तो इसकी वेलोसिटी r ओमेगा, तो क्या होना चाहिए बच्चा v इज इक्वल टू r ओमेगा, बोलो होना चाहिए ना, बात समझ में आया बेटा, ठीक है। अब देखो बेटा B5 किसी ने पूछा है, अच्छा B2 चाहिए। देख बच्चा B2 कहता है बेटा द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ नॉन यूनिफॉर्म सेमी सर्कुलर वायर, नॉन यूनिफॉर्म सेमी सर्कुलर वायर है बच्चा ये, ठीक है। इसका पूछा है हैविंग मास इन रेडियस आर अबाउट ए लाइन परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द वायर थ्रू द सेंटर, कहता बेटा इसके अबाउट क्या होगा है ना, ठीक है। तो याद है ये तुमको मैंने कहा था बेटा, क्या कहा था मैंने याद करो, कि रिंग यूनिफॉर्म हो या नॉन यूनिफॉर्म हो दोनों का फॉर्मूला सेम ही होता है हमारे स्क्वायर है ना, नोट में चेक करो अपना, ये फॉर्मूला बताया है। पार्ट टू का B1 पूछना है, किसको B1 पूछना है, किसी को? देखो बेटा B1 कहता है बेटा देखो क्या कहता है बेटा B1 में देखो क्या, ए यूनिफॉर्म सर्कुलर डिस्क ए ऑफ रेडियस आर इज मेड फ्रॉम ए कॉपर प्लेट ऑफ थिकनेस टी एंड अनदर यूनिफॉर्म सर्कुलर डिस्क बी ऑफ रेडियस आर इज मेड ऑफ कॉपर प्लेट ऑफ थिकनेस टी / 2, रिलेशन बिटवीन मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा है ना बेटा। तो देखो देख बच्चा देखो क्या कहता है, अगर डिस्क लोगे बेटा तो मास क्या बोलोगे उसका, कहोगे ना डेंसिटी इंटू एरिया है ना बेटा, डेंसिटी इंटू एरिया इंटू थिकनेस, बोलो बेटा बोलेंगे, ठीक है बेटा डेंसिटी इंटू एरिया इंटू थिकनेस। हर्षद बोल रहा है स्क्रीन छोटी आ रही है, क्या सबका यही प्रॉब्लम है बेटा, स्क्रीन छोटी आ रही है क्या,
अब देखो शायद सही आ रही होगी बड़ा। चलो देख बेटा एम हमारा अगर ऐसा हो गया है ना बेटा, कोई बात नहीं कोई बात नहीं। देखो बच्चा मास इतना है बेटा है ना, तो डिस्क है तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या लिखोगे बच्चा, आई बराबर लिखोगे एम आर स्क्वायर बाई टू है ना बेटा, तो क्या होगा बोलो, डेंसिटी हो गया बेटा रो, एरिया हो गया पाई आर स्क्वायर इन टू टी है ना बेटा, इन टू आर स्क्वायर बाई टू बोल बेटा, ठीक है ना। अब दोनों बेटा कॉपर प्लेट है तो दोनों कॉपर प्लेट है बेटा तो डेंसिटी सबका सेम, पाई बेटा कॉन्स्टेंट टू कॉन्स्टेंट तो प्रोपोर्शनल टू आर का पावर फोर इन टू टी हो गया बेटा। तो अब देखते हो मोमेंट ऑफ इनर्सिया ऑफ ए बाई मोमेंट ऑफ इनर्सिया ऑफ बी, तो क्या बोलेगा रेडियस ऑफ ए बाई रेडियस ऑफ बी का पावर फोर इन टू थिकनेस ऑफ ए बाई थिकनेस ऑफ बी, बोलो बेटा अब वैल्यू पुट करो और चेक कर लो, आगे बोलो। B2 कर दिया था, B5 किसने B5 पूछा था, देखो बेटा B5 में मोमेंट ऑफ इनर्सिया ऑफ इलेप्टिकल डिस्क B4 ही पूछा है किसी ने, देखो बेटा B4 में B4 किसी ने पूछा है, देखो B4 में I1 I2 be the moment of inertia of two axis I1 1 and 2, axis 1 passes through center of mass of the body but 2 does not है ना बेटा, 1 pass करता है और 2 pass नहीं करता है ना बेटा, थोड़ा conceptual सुनो सब लोग, देखो बेटा तो 1 pass करता है और 2 pass नहीं करता है ना बेटा। तो देखो अगर कहते हैं बेटा कि if parallel, अगर दोनों axis parallel होगा तो क्या लिखेंगे बेटा हम, i बराबर icm plus mx square, इसका मतलब बेटा आई जो होगा वो आई सी एम से बड़ा होगा, बोलो बेटा है ना, इसका मतलब ये हुआ कि देखो बेटा ऑप्शन नंबर सी हमारा सही है, समझ गया ना, बाकी और हम कुछ नहीं बोल सकते, अगर पैरेलल नहीं है तो कोई कमेंट नहीं कर सकते बेटा है ना। बी फाइव देखो मोमेंट ऑफ इनर्सिया ऑफ इलेप्टिकल डिस्क, इलेप्टिकल डिस्क के बच्चा इलेप्टिकल डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्सिया है ना, कहता है बेटा ऑफ यूनिफॉर्म मास डिस्ट्रीब्यूशन एम सेमी मेजर एक्सिस आर, देख दो बच्चा ऐसा मान ले बेटा इलेप्टिकल डिस्क है ना बेटा, अब कहता है ऑफ यूनिफॉर्म मास सेमी मेजर एक्सिस आर है, ये मतलब बेटा आर हो गया है ना, और ये हमारा है बेटा डी, ठीक है ना, ये हमारा है बच्चा डिस्क, ठीक है, अब इसके अबाउट घूम रहा है, ठीक है बच्चा ध्यान देना सब लोग, अगर मैं कहूं बेटा ये डिस्क मान लो इतना बड़ा, तो इतना बड़ा डिस्क का क्या होता मोमेंट ऑफ इनर्सिया बताओ, ग्रीन वाले का मोमेंट ऑफ इनर्सिया कितना होना चाहिए था एम आर स्क्वायर बाई टू, और मैं कहता बेटा तुमको कि अगर इस वाले डिस्क को लो तो क्या बोलते तुम, इस वाले का तुम बोलते कितना एम डी स्क्वायर बाई टू है ना बेटा, तो क्या बोलोगे रेड वाले से बड़ा होगा और ग्रीन वाले से छोटा होगा है ना बेटा, बोलो रेड से बड़ा और ग्रीन से छोटा, समझ गए, तो कौन सा आंसर होगा, ठीक आगे चलो। बी सिक्स पूछा है राकेश ने, देख बच्चा बी सिक्स में एक यूनिफॉर्म थिन रॉड बेटा लेंथ एल मास एम उसको बीच से मोड़ दिया है ना, कंसीडर एन एक्सिस पासिंग थ्रू मिड पॉइंट ओ मोमेंट ऑफ इनर्सिया अबाउट दिस एक्सिस, इसके अबाउट पूछा है मोमेंट ऑफ इनर्सिया, किसके अबाउट, इसके अबाउट, अगर ऐसे घूम रहा है ना, तो इसको मैंने मान लिया पहला हिस्सा, इसको मान लिया दूसरा हिस्सा, तो आई क्या होगा बच्चा, तो कहोगे आई वन प्लस आई टू है ना बेटा, इस तरफ का मास एम बाई टू लंबाई एल बाई टू, तो क्या होगा बेटा बोलो, दोनों बराबर ना होगा बेटा तो टू आई कर लेंगे ना बेटा, बोलो तो कितना होगा टू इंटू एक का फॉर्मूला देखो, सिर्फ इस वाले का देखो फॉर्मूला, तो एम एल स्क्वायर बाई थ्री एम बच्चा एम बाई टू है ना, एल स्क्वायर बाई थ्री तो एल बाई टू का स्क्वायर बाई थ्री हो गया बच्चा, समझ गए। आठवां नंबर देखो, आठवां नंबर कहता है बेटा थिन यूनिफॉर्म रॉड ऑफ फोर एल मास फोर एम इज बेंट, व्हाट इज द मोमेंट ऑफ इनर्सिया ऑफ रॉड अबाउट द एक्सिस पासिंग थ्रू ओ एंड परपेंडिकुलर टू प्लेन, है ना बेटा ओ से पास करता हुआ
और प्लेन से परपेंडिकुलर। ठीक है बच्चा, सब ध्यान दो। देखना बेटा, देखो ओ से पास करता हुआ ऐसे घूमेगा बेटा, ठीक है। ठीक, तो देखो बेटा टोटल मास हमारा 4m है, इसका मतलब हर रॉड की लंबाई m है, मास m है, और देखो बेटा हर रॉड की लंबाई l है ना। ठीक है, तो अब देखो अगर मैं इसका मान लिया मोमेंट ऑफ इनर्शिया, इस वाले को देखो सिर्फ जिसको मैंने ब्लू से कलर कर दिया, सिर्फ उसका देखो, तो कहोगे बेटा उसको मैंने मान लिया आई वन, तो आई वन कितना हो जाएगा बेटा, देखो तो एम एल स्क्वायर बाई थ्री होगा, बोलो। ठीक है, अब देखो बेटा, अब मैं कहता हूं बेटा इसको ये देखो रेड कलर कर दिया मैंने, है ना बेटा। अब देखना तो बच्चा, अगर यहां से मैं यहां की दूरी की बात करूं, इसको मैं मान लू आर, है ना, तो ट्राइंगल देखो आर बराबर क्या होगा, स्क्वायर रूट एल स्क्वायर प्लस एल बाई टू का स्क्वायर, इसका मतलब हो जाएगा बेटा ये रूट फाइव एल बाई टू, बोलो होगा। तो अब देखो अगर ये इसके अबाउट घूम रहा होता ऐसे, अगर ये इसके अबाउट घूम रहा होता रॉड, तो इसका होता एम एल स्क्वायर बाई ट्वेल्व, लेकिन बेटा ये घूम रहा है इसके अबाउट ना, तो यहां लगाएंगे पैरेलल एक्सिस थ्योरम, तो आई टू मेरा क्या हो जाएगा, देख बच्चा आई टू हो जाएगा इस रेड वाले के लिए इसके सेंटर के अबाउट, तो सेंटर के अबाउट बच्चा एम एल स्क्वायर बाई ट्वेल्व, फिर प्लस शिफ्ट करना पड़ेगा तो प्लस एम आर स्क्वायर, इसका मतलब हो गया बेटा एम एल स्क्वायर बाई ट्वेल्व प्लस एम इन टू रूट फाइव एल बाई टू का स्क्वायर, बोलो बेटा होगा। ठीक है, अब सोच के देखो पूरे बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया चाहिए, तो आई इक्वल टू क्या होगा, तो कहेंगे देखो ब्लू वाला दो रॉड तो टू आई वन, और रेड वाला दो रॉड तो टू आई टू, बोलो बेटा समझ में आ गई बात। अब पूछ रहा है बी इलेवन, है ना बेटा। ठीक है, एक मिनट रुको, देखो बच्चा इलेवन, देखो बच्चा बी सेवन, अरे बेटा कितना पूछ रहा है रे, बस बदमाश कहीं का, खुद से बनाओ बी सेवन, इतना सिंपल है बी इलेवन, देखो बदमाशी कौन मजाक किया मेरे साथ, नहीं नहीं है सॉरी सॉरी सॉरी, मुझे लगा दस ही क्वेश्चन है देखते बच्चा क्या कर दिया मैंने, ये थोड़ा डिफिकल्ट सवाल है, सीखना ठीक से बेटा इसको। देख बेटा कहता है थिन यूनिफॉर्म रिंग ऑफ 4a प्लस 2πa, है ना बेटा 4a प्लस 2πa, इसका मतलब इसमें से अगर तुम एक सेमी रिंग को चुन लो, है ना बेटा, तो इस सेमी रिंग का, है ना बेटा, जो रेडियस है ये है a, बोलो ठीक है ना। और देखो बेटा लिखा 4m प्लस 2πm, 4m प्लस 2πm, है ना बेटा, इसका मतलब इसका मास हमारा कितना हो गया, ऐसे कितने रहोगे बेटा, 4m तो हो गया हमारे 4m प्लस 2πm, एक मिनट रुक जाओ, नहीं बेटा a बाई टू है रेडियस की, अरे यार क्या हो गया, देख ध्यान से बेटा देख 4a प्लस 2πa, है ना बेटा, और कहता है स्क्वायर का साइड कितना है, बेंट एंड फैब्रिकेटिव फॉर्म है स्क्वायर, नहीं तो इसका डायमीटर a है बच्चा 4a, हाँ डायमीटर a है, तो रेडियस a बाई टू है बच्चा इसका, समझा, इसका रेडियस बेटा a बाई टू है, डायमीटर a है बच्चा, अच्छे समझो, ये डायमीटर a a a और ये भी a, तो 4a हो गया ना बच्चा, 4a हो गया ना, उसी तरह से रॉड का मास m, तो 4m हो गया मास, है ना बेटा, इसका मतलब इसका मास कितना हो गया, देखो 2πm इस चारों का मिला करके है, तो एक का मास कितना हुआ πm बाई टू, बोल बेटा होगा। ठीक है, चलो बेटा मैं इसका निकालता हूँ मोमेंट ऑफ इनर्शिया, तो देख बेटा ये अगर डिस्क अगर ऐसे घूम रहा होता तो इसका कितना होता मोमेंट ऑफ इनर्शिया,
तो होता बेटा इसको, इसको मैंने मान लिया m1, ठीक है, तो कहता तुम m1 into a by 2 का स्क्वायर सेमी रिंग, बोल बच्चा mr स्क्वायर, ये बोलता ना, ठीक है। लेकिन देख बेटा ये घूम रहा है किसके अबाउट, इसके अबाउट ना, यहाँ देखो इसके अबाउट घूम रहा है ना ये, है ना बेटा। तो पहले इसके सेंटर ऑफ मास पे जाना पड़ेगा तुमको, ये है सेंटर ऑफ मास, तो बोलेंगे इक्वल टू ICM प्लस, बोलो बेटा सेमी रिंग में सेंटर ऑफ मास की दूरी क्या होती है, 2R by pi, 2R by pi, तो कितना हो जाएगा, तो कहेंगे M1 into 2R by pi, ठीक है बेटा, का स्क्वायर, ठीक है। तो ये निकल गया बेटा मेरा ICM, है ना। अब कहोगे तुम I1 बेटा इसके लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया, इसके अबाउट, तो इसके सेंटर ऑफ मास से ये दूरी बेटा ऐड करनी पड़ेगी हमको शिफ्ट करने के लिए, पैरेलल एक्सिस थ्योरम। तो क्या हो जाएगा बच्चा, बोलो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा ICM प्लस ऑफ M1 into, ये दूरी कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगा 2R by pi और प्लस ऑफ ये बच्चा A by 2, ठीक है, इसका होगा बेटा स्क्वायर, ये हो गया तुम्हारा I1, समझा। अब किसी एक रॉड को पकड़ो, अब किसी एक रॉड को पकड़ो, ऐसा रॉड को पकड़ो जिसको मैंने अभी बोल्ड किया, इस रॉड को पकड़ो बेटा, तो कहोगे इस रॉड की अगर हम बात करें तो देख बेटा इस रॉड की अगर हम बात करें तो सेंटर के अबाउट कितना होना चाहिए था, ML स्क्वायर बाई 12, यहां से शिफ्ट करना पड़ेगा पैरेलल एक्सिस थ्योरम, तो जाएगा बेटा एम ए स्क्वायर बाई 12 प्लस एम ए बाई 2 का स्क्वायर, समझ गया। तो रिजल्टेंट मोमेंट ऑफ इनर्सिया क्या होगा बेटा, तो कहोगे चार रॉड हो गए तो 4I2 और चार सेमी रिंग हो गए, तो हो गया बेटा 4I1, आए बात समझ में, ठीक है, पुट करो सॉल्व करो आ जाएगा आंसर, ठीक है बच्चा। ये B3 बार बार लिख रहा है, देख भाई B3 में कोई दम तो है नहीं, देख बेटा B3 में देखो, कहता है बेटा लेट IA IB बी द मोमेंट ऑफ इनर्सिया ऑफ टू सॉलिड सिलेंडर ऑफ आइडेंटिकल ज्योमेट्रिकल शेप एंड साइज अबाउट देयर एक्सिस, फर्स्ट मेड ऑफ एल्यूमिनियम सेकंड ऑफ आयरन, है ना। और तुम कहीं पे चेक करो, क्या चेक करोगे, मुझे भी याद नहीं है, हालांकि बाकी बच्चे बताओ, आयरन में और एल्यूमिनियम में डेंसिटी ज्यादा किसकी होती है, आयरन की ना, ज्यादा किसकी होती है डेंसिटी, यूनिट पे चेक करना, यूनिट पे चेक करना बेटा, शायद आयरन की डेंसिटी बड़ी होती है, बोल बेटा, है ना। तो आयरन की डेंसिटी बड़ी होगी बेटा, साइज बराबर है, इसका मतलब मास ऑफ बी जो होगा बेटा ये बड़ा होगा मास ऑफ ए से, बाकी शेप और साइज सेम है, जिसका मास बड़ा होगा उसका मोमेंट ऑफ इनर्सिया बड़ा होगा, ठीक है बच्चा। चल अब खत्म, इतना ही हो गया, है ना, जो होमवर्क वाले था बेटा वही होमवर्क फिर से कर लो सेम, है ना। और मुझे बताओ DPP तुम कहां तक किए थे, DPP है दे दूंगा होमवर्क, DPP कहां तक किए थे, 18 तक, तो DPP नंबर 19 दे रहा हूं होमवर्क, B19, ठीक है। राजा ने बोल रहा है 26, एक बोल रहा है 27, एक बोल रहा है 24, हर्षित तुम बताओ, हर्षित बोलो कौन सा दिया था मैंने, एक मिनट सर देख के बता, बोलो तो 25। तो चलो B26, कल एग्जाम देने के बाद करना इसको, ठीक है। चलो बाय बच्चा, हैव ए गुड डे।